सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू मी चैनल के ओजीरोविन। और आज है गाइस हमारा यहाँ पे 27 मई, और आज के दिन गाइस आप सभी को यहाँ पे जो है फ्री में कस्टम रूम कार्ड मिलने वाला है। वो भी गाइस छोटा मोटा कार्ड नहीं है, पूरे 40 घंटे का कस्टम रूम कार्ड है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इस कार्ड का यूज़ करके आप कैसे जो है अनलिमिटेड ग्लू वाला कस्टम बना सकते हो, और उसमें जो है राउंड्स भी आप मैक्सिमम कर पाओगे। और यहाँ पे गाइस मैं आपको करेक्टर एबिलिटी ऑन ऑफ करना भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको कार्ड को क्लेम कर लेना है, ठीक है। तो 40 घंटे का कार्ड है, तो यहाँ पे गाइस टाइम की कोई कमी नहीं है, पूरा दिन कल का भी और आज का भी खेल सकते हो कस्टम, वो भी अनलिमिटेड। इसके बाद यहाँ पे आपको कस्टम बनाने के लिए यहाँ नीचे की साइड कस्टम लेकर यहाँ आना है, और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे जो है सिंपल सा यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद गाइस आपके सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप पासवर्ड वगैरह लगा सकते हो। अगर पासवर्ड लगा लोगे तो रैंडम बंदे जो है एकदम से घुस जाते हैं आपके कस्टम में, वो नहीं आएंगे। अगर पासवर्ड हटा दोगे तो रैंडम बंदे भी आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको जिस जोन सा मोड खेलना है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे जो है कन्फर्म पे जो है एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद कस्टम आपका यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो यहाँ ऊपर की साइड सेटिंग्स बनी छोटी सी, यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ पे गाइस आपको गेम सेटिंग्स में आना है। यहाँ आने के बाद गाइस आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हो। सबसे पहले तो गाइस डिफॉल्ट कॉइन को यहाँ पे मैक्सिमम कर देना 9000, ठीक है। और इसके बाद गाइस यहाँ पे लिमिटेड एमो आपको जो दिख रहा होगा इसको आपको 9 पे रखना है, ठीक है। ये पहले से जो है डिफॉल्ट येस पे होता है तो इसको 9 पे करना है आपको, तभी गाइस अनलिमिटेड एमोस होंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे कैरेक्टर स्किल्स का ऑप्शन दे रखा है, अगर आप कैरेक्टर स्किल चाहते हो कि सभी बंदे यूज़ करें आपके कस्टम में तो इसको येस करना, नहीं चाहते हो तो नो करना है। इसके अलावा गन प्रॉपर्टी यानी कि हमारी गन की जो एबिलिटीज़ हैं वो आप चाहते हो कि नहीं उसको भी आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो, येस हो या नो करके, ठीक है। इसके बाद वैसे तो गाइस यहाँ पे एडवांस सेटिंग पहले ऑन हो जाती थी, लेकिन अभी इन्होंने एडवांस सेटिंग को बंद कर दिया है। तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग अगर आप करने जाओगे तो वो ऑन नहीं होगी, यहाँ पे गाइस आपकी सिर्फ नॉर्मल सेटिंग ही ओपन होगी। तो यहाँ पे गाइस आप कोई चेंज वगैरह नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सेटिंग से ही जो है मैक्सिमम राउंड जो मिलेंगे उतने ही आप खेल पाओगे। और इस वाले में गाइस आपको सिर्फ 13 राउंड से मैक्सिमम मिलते हैं, तो यहाँ पे आप 13 राउंड लगातार खेल सकते हो एक मैच में। और यहाँ पे गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे काफ़ी बंदों को प्रॉब्लम आती है कस्टम बनाने में, क्योंकि यहाँ पे गाइस वो लगातार एक साथ कस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे गाइस कस्टम का एक ना टाइम होता है कि आप 5 मिनट के अंदर ही गाइस एक कस्टम को बना सकते हो, हर 5 मिनट के बाद, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कस्टम ये पूरा बना लिया, इसको कन्फर्म मैं क्लिक करूँगा, मेरा अनलिमिटेड कस्टम बन चुका है। और यहाँ पे बंदे वगैरह बुलाने थे मुझे, लेकिन यहाँ पे कोई ऑनलाइन ही नहीं था और रैंडम बंदे भी नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्या ग्लिच था। तो यहाँ पे गाइस इस कस्टम को मैंने बैक कर दिया था, ठीक है। तो बैक करने के बाद जब मैं दोबारा बनाने गया तो यहाँ पे गाइस उन्होंने मुझे कहा था कि 5 मिनट रुक के मैं बना सकता हूँ दूसरा कस्टम। तो इसके अंदर ये लिमिट होती है कि आप हर 5 मिनट के बाद ये कस्टम बना सकते हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी गाइस अगर कस्टम बनाने में कोई और प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका जल्द से जल्द जवाब दे दूंगा। ओके बाय।